हाय गाइस, सुमित्रा के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कुछ स्पेशल आपको दिखाने वाली हूँ और या कुछ करने वाली हूँ, तो आप वीडियो में रहकर पूरा देखना बिना स्किप किए। और चलो मैं अभी नहा ली हूँ, पूरा घर का काम हो गया है, कनों को भी अच्छे से फ्रेशन अप कर लिया है, उसको बस रेडी करना बाकी है। तो मैं अभी ना थोड़ा बाहर जा रही हूँ मम्मी के साथ, उन्हें कुछ हेल्प करना था तो उनके साथ जा रही हूँ। तो देखते हैं बाहर क्या करने वाली हूँ क्या नहीं करने वाली हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता। तो जो चलते हैं बाहर क्या करने वाली हूँ, और आके कनों को फ्रेशन अप करती हूँ, पटाख से और कुछ खिला देती हूँ, बिकॉज उसने सुबह से कुछ भी अच्छे से खाया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा खाकर बस उसका काम चल रहा है। तो चलो चलते हैं और फटाफट आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या करने वाली हूँ पूरे ब्लॉग में। तो प्लीज़ गाइज, अगर ब्लॉग ज़रा पसंद आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलो चलते हैं और इसकी मस्ती आप देखिएगा। ओके गाइस, काफ़ी ज़्यादा इसके बाद कनु रेडी हो गई है, देखिए कनु हाय करो सबको। हाय। काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई है, नहा लिया है सबने, अच्छे से रेडी कर लिया है। तो चलो इसके लिए फटाफट खाना बना रही हूँ, खाना बना के इसको खिला देती हूँ। किचन में आ गई हूँ। गाइस, तो कनों के लिए कर्ड राइस बन गया है, देख सकते हो आप। एक मिनट में मैंने बना दिया। तो कनों के लिए कर्ड राइस बन गया है, उसको फटाफट खिला देते हैं क्योंकि उसने सुबह से कुछ अच्छे से खाया नहीं है। ओके गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और रेडी हो गई हूँ, बस अभी थोड़ा बहुत कपड़े घड़ी करना था वो कर लेती हूँ। मम्मी अभी तक आई नहीं है, आएगी तो फिर निकलेंगे, तो उनका वेट करते तब तक, और चलो वेट करते तब तक के लिए फटाफट घड़ी जो कपड़ा है वो कर लेती हूँ। एक्चुअली गाइस, मुझे आज ना कबड़ वगैरह भी साफ़ करना है थोड़ा, उसको ये कपड़ा जो भी बराबर से नहीं रखा है, बिकॉज मैं थोड़ा पूना गई थी ना, तो उसके बाद आके मैंने कुछ भी आगे साफ सफाई नहीं किया है, तो मुझे वो भी करना है। जो कन्नू साइकिल में खेल रही है और खाना भी थोड़ा सा ही खाया उसने हमेशा की तरह, हाँ, तो फिर वही मुझे साफ़ सफाई करना है। तो शायद मैं अभी जब आऊँगी तो मुझे टाइम मिला तो मैं फटाफट उसको क्लीन वगैरह कर लूँगी, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर मैं कल क्लीन करूँगी। ओके, तो लेट्स सी मैं किस तरह से क्लीन करती हूँ और मैं क्या क्या क्लीन करती हूँ, मैं किस तरह से अरेंजमेंट करती हूँ अपने कपड़े वगैरह, वो सब मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करूँगी। हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है, अगर खाना वगैरह बनाना है तो टाइम नहीं मिला तो मैं कल शेयर कर दूँगी। ओके, और तो चलो फटाफट सर रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी बराबर काम हो गया, घर वगैरह सब क्लीन ही है, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो फटाफट बैठते हैं और टीवी देखते हैं। ओके गाइस, तो चलो निकल गए, 2 बजे निकलना था और मम्मी आई है 3 बजे,
चलो ठीक है, एक घंटा लेट हो गया है, पर चलो निकले हैं अभी वहाँ पे। कुछ मम्मी को लेस वगैरह लेना है, साड़ी का लेस वगैरह या ब्लाउज पीस। चलो दिखाती हूँ हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। ओके गाइस, तो देखिए मार्केट में आकाश कंदील लाइटिंग वगैरह रंगोली वगैरह सब कुछ आ गया है, और इतना रश था मार्केट में, इतना गर्दी था दिवाली की शॉपिंग की, सबकी तैयारी आई थिंक स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे बलून वाले भैया को देखकर कनु रोने लग गई थी बलून लेने के लिए, फिर हमने उसको कैसे तो समझा कर उसे लेके चले गए आगे। एंड देन मार्केट में देखी इतना रश था कि ऑटो वाले को जाने को भी जगह नहीं था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे थिंग्स आ गए हैं मार्केट में। एंड यहाँ पे कनों को जूस पीना था, तो यहाँ पे हम जूस लेने आ गए थे, और वो भैया इतने अच्छे से जूस बना के दिए, काफ़ी मस्त था, मीठा मीठा एंड नींबू पानी। और देखिए यहाँ पे मम्मी को ब्लाउज पीस इजीली मिल गया एक ही शॉप में, हम अक्सर वही शॉप में जाते हैं लेने को, तो अच्छे से इजीली मिल गया। और मेरी सिस्टर को यहाँ पे लेस मिला ही नहीं, क्योंकि जो उसको चाहिए था वो लेस तो यहाँ पे था ही नहीं, तो मुझे शायद फिर से एक दो दिन के बाद जाना पड़ेगा। और मेरी मम्मी को यहाँ पे बटर पापड़ी मिल गया था, तो हमने एक प्लेट ले लिया उन्हें खाने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो आपकी सबकी फेवरेट चिकन तंदूरी। हाँ गाइस, हम जब जा रहे थे तो वहाँ पे ये शॉप था, तो हमने ले लिया एक हाफ प्लेट, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्रेश था, एकदम मस्त। ओके गाइस, तो चलो अभी घर पे आ गए हैं हम लोग, एंड इतना काफ़ी थक गए थे, कनु को लेके ट्रैवल करना शॉपिंग करना मिस बहुत डबल काम कर देती है लड़की। तो देखो हमने क्या लाया वो मैं आपको बताती हूँ। कनु ने उठा लिया। ओके गाइस, आ गई हूँ घर पे, बहुत थक गई हूँ, थोड़ा बाहर गई थी कुछ सामान वगैरह लेने, तो तंदूरी खाया और फिर तुरंत निकल गई थी। तो अभी आई हूँ घर पे, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, पानी वगैरह पी के 10 मिनट में रेस्ट करूँगी, और फिर मुझे बनाना है खाना। और मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप देखना मैं क्या खाना बनाने वाली हूँ, क्या रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखना। तो मिलती हूँ थोड़े टाइम में। ओके गाइस, तो मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। सो मैं आज क्या बनाने वाली हूँ वो मैं बता देती हूँ आपको। मैं बनाने वाली हूँ मटकी। हाँ गाइस, उसको स्प्राउट्स भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्राउट्स बोलते हैं और हिंदी में के मटकी बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से होता ही है। ओके हाँ, तो ये स्प्राउट्स मैं बनाने वाली हूँ, अच्छे थोड़ा धनिया वगैरह डाल के अच्छे तरीके से बनाऊँगी। ओके फाइन, तो देखो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मुझे पहले इसको आती है पका लेना है। ओके तो कुकर निकाल के मैं पहले उसको वॉश करके कुकर में डाल दूँ। मैंने आके 250 ग्राम लिया है, जैसे कि एक पाव बोलते ना वैसे लिया है। मैं आके 2-3 जन के हिसाब से बनाऊंगी, अगर बच गया तो कल मॉर्निंग भी खा लूँगी ऐसा, तो आपके हिसाब से आप बनाना, आप कितने लोगे वो देख के। तो पानी डाल रही हूँ, अच्छे से वॉश कर लेती पहले। ओके वॉश कर लिया है, पानी डाल देती हूँ उसके जिसमें। और मैंने इसमें आके 1 ग्लास पानी डाला है, और इसमें आके मैं थोड़ा सा आके नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा, देखो थोड़ा सा हल्दी डालूँगी, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसको आगे बंद करके एक विसल कर दूँगी। ओके तो ओके गाइस, कांदा देखो एक मीडियम साइज का कांदा ले लिया, इसको मैं काट लेती हूँ। तो मटकी आप काफ़ी तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई आके रूल नहीं है कि ऐसे ही बनाना है वैसे ही बनाना है, सब अपने अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाते हैं। ओके तो काफ़ी तरीके से बनता है मटकी, मैं इसको मटकी बोलती हूँ, हम लोग इसको मटकी यहाँ पे बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके बताना, आपके यहाँ पे कुछ अलग नाम होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके तो एक मीडियम साइज़ का कांदा ले लिया मैंने, और टमाटो भी देखो मीडियम साइज़ का। ओके एक ही लूँगी, काफ़ी हो जाएगा एक ही।
इसको भी ले लेती हूँ, और दो आगे हरी मिर्च। ओके तो ओके गाइस, देख लीजिए मैंने कांदा काट लिया है। मैंने आपको दिखाया मीडियम साइज़ का था, तो मैंने कांदा और टमाटर दो मिर्ची को काट लिया है, एक कड़ी पत्ता ले लिया है, और पीसने में आके धनिया जाएगा एक मुट्ठी भरकर, और थोड़ा सा आके खोबरा। ओके एंड अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है मैंने, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं हो तो आप आके इसमें अदरक लहसुन डाल के मिर्ची भी डाल के पीस लेना। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसलिए मैंने आकर इसमें नहीं लिया है। ओके वाह, तो मैंने कढ़ाई रख दिया है। ओके गाइस, तो कड़े को अच्छे से गर्म करके तेल डाल दिया है। तेल डालने के बाद जीरा, कड़ी पत्ता और कांदा डाल देंगे, और उसको अच्छे से मिक्स करके उसको अच्छे से सौटे कर लेंगे। कांदे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उसको हमें अच्छे से पका लेना है, और कांदा गोल्डन ब्राउन होने के बाद टमाटर जो काट के रखा था वो डालना है, और उसको भी अच्छे से सौटे कर लेना है। अच्छे टमाटर को गलने तक हमें उसको पका लेना है। एंड टमाटर अच्छे से ग्रेवी में पक गया तो उसमें अपने को आगे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। तो मैंने आगे एक से डेढ़ चम्मच तक डाला था, अगर आपको कम डालना हो तो आप एक चम्मच भी डाल सकते हो, जो आपके हिसाब से आपको कितना डालना है ग्रेवी में करके। सो उसको अच्छे से मिक्स करके अदरक लहसुन का रॉ स्मेल जाने तक हमें उसको पका लेना है। और देखिए तेल पूरा रिलीज़ हो गया है। तो मसाले में मैंने आके नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और एक चिकन मसाला लिया है। आपको अगर आपको और कुछ भी इसमें ऐड करना हो तो आप थोड़ा गर्म मसाला ऐड कर सकते हो, और ये आगे खोबरे का और धनिया का पेस्ट हो गया। तो मिक्स कर अभी देखो पूरा पक गया है, कांदा टमाटर सब पक गया है, तो हमें उसमें आके ये मसाला सब डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, और अच्छे से भून लेना है मसाले को अच्छे से। मसाले से पूरा तेल पूरा रिलीज होने तक हमें इसको तो अच्छे से भून लेना है, और तभी आके ग्रेवी अच्छे से बनेगा, और अच्छे से आके उसमें आके एक थिकनेस आएगा। तो देखो अच्छे से पकने के बाद अभी डाल दूँगी मैं खोबरे का और धनिया का पेस्ट जो बना के रखा था वो डाल दूँगी, और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप कलर देख सकते हो कितना अमेजिंग कलर आया है, और मसाला भी अच्छे से भून लिया था मैंने, और देखो पूरा तेल रिलीज हो गया है मसाले से। तो मैं अभी इसमें डाल दूँगी स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स डालने के बाद हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे, और स्प्राउट्स को मैंने एक विसल कर लिया था। ओके तो अच्छे से मिक्स कर लेना है ऊपर नीचे से, और जितना पानी आपको रखना है वो क्वांटिटी में रखना। मैंने सिर्फ आधा कप ही डाला था, आपको अगर एक कप तक आप डाल सकते हो। तो अच्छे से इसको बॉईल लाना है, और 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉईल करने के बाद इसको आप गैस ऑफ कर दीजिएगा। और देखिए मेरे ग्रेवी का जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी अच्छा था, आप देख सकते हो। ज़रूर आपके घर में ट्राई करना, ज़रूर आपकी फैमिली को सबको पसंद आएगा गाइस। ओके गाइस, अब खाना बना के हो गया है, काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अभी आके बैठा है सुबह से, आज काफ़ी टायर्ड थी मैं। आपने खुद देखा होगा, पहले बाहर जाना फिर आना फिर जाना फिर आना, और इतना थक गई ना। चलो ठीक है, कब कब हो जाता है। और मुझे आज जाके कबोर्ड भी साफ मतलब क्लीन करना था, उसको साफ़ सफाई करना था, पर नहीं कर पाई। मैंने बोला था आपको कि बाहर जाऊँगी तो शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं ये वीडियो कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने कबर को किस तरह से अरेंजमेंट करने वाली हूँ। बिकॉज एक मंथ वन मंथ हो गया है जो मैंने आगे उसको साफ़ सफाई किया नहीं है, जबकि मैं मंथली मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बेबी है, बेबी का कपड़ा निकालो रखो तो हस्बैंड का कपड़ा भी निकालो रखो तो ख़राब हो ही जाता है। तो मैं मंथली क्लीन करना ही पसंद करती हूँ। तो मुझे है कि मेरा फ्रिज भी साफ़ सफाई क्लीन करना है, और कबर मुझे क्लीन करना है, तो दोनों को वीडियो में आई थिंक मैं कल शेयर करूँगी आपको। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ गया, पसंद आए, अगर इतना मेहनत से मैंने आके रेसिपी भी शेयर किया है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को प्लीज़ पसंद भी कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, और जो मैंने रेसिपी शेयर किया है प्लीज़ आप अपने घर पर ट्राई करके देखना, काफ़ी अच्छा रेसिपी होता है ये। और चावल के साथ, परोठा के साथ, चपाती या फुलका जिसके साथ भी खाओ, बहुत अच्छा लगता है उसको। और थोड़ा गाढ़ा, जैसे मैंने किया है ना गाढ़ा, वैसे ही उसको एकदम थिक करके, एंड देन यू हैव इट, देन अलग ही लेवल का होता है। ओके गाइस, तो चलो चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।